हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कंप्लीट रिव्यू iOS 16.4.1 का आईफोन 13 में कैसा अपडेट ये मेरे चल रहा है, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर iOS के अपडेट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको बराबर मिलते रहते हैं। यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस अपडेट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। आईफोन 13 में इस अपडेट में कैसी परफॉर्मेंस मिली है मुझे, सच बताऊँ परफॉर्मेंस से रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है इस अपडेट में, चाहे आप गेमिंग करो या फिर वीडियो एडिटिंग करो, कुछ भी करो, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो भी सही तरीके से चल रहे हैं, ऐप क्रैशिंग वगैरह भी आपको जो है इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, वो यूट्यूब का थोड़ा सा जो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, आजकल की जो वीडियो प्ले करता हूँ तो ब्लैक स्क्रीन आती है, वो कभी कभी इसमें होता है। वो मेरे हिसाब से यूट्यूब का सॉफ्टवेयर का कुछ बग्स है, फोन के अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में इस अपडेट में आईफोन 13 में कोई भी दिक्कत जो है मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है, मैं एक लील बोल सकता हूँ। सेकंड चीज़ है यहाँ पे कनेक्टिविटी का क्या सीन है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन में अपने जियो का सिम यूज़ करता हूँ, अभी वाईफाई भी चल रहा है मेरे घर पे, तो यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी है मुझे A1 मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 5G जब यहाँ पे नेटवर्क होता है तो 5G भी अच्छे से चलता है, 4G भी अच्छे से चलता है और वाईफाई भी सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एयर ड्रॉप वगैरह, मोबाइल डाटा वगैरह सब कुछ सही तरीके से जो है अब चल रहा है मेरे आईफोन 13 में। तो यहाँ पे अगर आपके आईफोन में कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो मैं कहता हूँ कि एप्पल ने उस चीज़ को जो है वो फिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ को बताना चाहूँगा जो कि है इसका स्टोरेज का क्या सीन है। बहुत लोगों के पास जैसे कि आईफोन 11 है, 12 है, तो उनका जो 64GB वाला वेरिएंट होगा मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के पास है, तो स्टोरेज से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये कहूँगा स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको जो है इस अपडेट में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका जो ये सिस्टम डाटा है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेट कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा iOS का जो स्टोरेज है वो आपको प्रॉब्लम देगा कि इसमें स्टोरेज से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे अगर बात करूँ कैमरा क्वालिटी की, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले आईफोन 13 में स्पेशली जो है सिनेमेटिक मोड की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, एक अपडेट ऐसा आया था, तो यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है इस आईफोन 13 के इस अपडेट के बाद वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है। मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ आजकल जो है आईफोन 13 से रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आईफोन 13 के कैमरा जो है काफ़ी अच्छे तो है ही, बट यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से इसमें जो है कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो प्रॉब्लम जो एप्पल ने इस अपडेट में फिक्स कर दी है। यहाँ पे आपको कैमरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है विजेट को लेकर। यहाँ पे कल जो है मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी इसका जो वेदर वाला ये गायब हो जाता है, कभी कभी सही लोकेशन जो है वो नहीं दिखाता है, कभी कभी जो है यहाँ पे यही दिक्कत करता है, बाकी यहाँ पे और कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बाकी काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ओवरनाइट बैटरी ड्रेन का क्या सीन है, क्या ओवरनाइट बैटरी जो है वो ड्रेन हो रही है ऑटोमेटिक या फिर नहीं हो रही है। तो मैं बता दूं ओवरनाइट बैटरी ड्रेन बहुत ही कम हो रही है मेरे आईफोन 13 में, क्योंकि इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 100% अभी तो नहीं है, 99% है। तो ओवरनाइट बैटरी ड्रेन का जो सीन है वो ऐसा है कि अगर आप जो है इसको 100% चार्ज कर देते हो, नॉर्मल मोड में रख देते हो, वाईफाई वगैरह अगर बंद है, ब्लूटूथ बंद है, सिर्फ मोबाइल डाटा ऑन है, तो मेरे हिसाब से 12 घंटे में 2-3% बैटरी ड्रेन हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और नहीं हो भी रही है। यहाँ पे बैटरी ड्रेन कब होती है, जब बैटरी इसकी जो है 20% से नीचे चली जाती है तब बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम जो है वो होता है। अच्छा, बैटरी बैकअप कैसा है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो को इसी समय क्यों बनाया, इसका एक रीज़न ये है कि कल यानी मंडे था 11:27 पर सुबह मैंने इसको 100% चार्ज किया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी 11:56 हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो को इसीलिए इस टाइम बनाया कि इसको कंप्लीट 24 घंटे हो गए हैं, ताकि आपको सही एग्जैक्ट पता कैसे चल सके कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है। और यहाँ पे अभी बैटरी इसमें जो है वो 4% है और लो पावर मोड ऑन है, तो लो पावर मोड अभी जब 10% बैटरी बची थी तब मैंने इसमें ऑन किया था, 10% तक यानी कि 90% जो बैटरी यूज़ हुई है पूरी वो नॉर्मल मोड में यूज़ हुई है। तो बैटरी बैकअप कैसा है ये आपके सामने है साफ रूप से। मंडे 11:27 और अभी हो रहा है 11:57, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये देखिए 11:57 11 अप्रैल ट्यूज़डे, और यहाँ पे कल मंडे था 11:27 पर मैंने इसको चार्ज किया था। स्क्रीन ऑन टाइम 8:18 का अभी दिख रहा है और बैटरी अभी भी इसमें 4% है, मतलब कि ये फ़ोन जो है 15-20 मिनट आराम से अभी आपको जो है YouTube, Facebook, Instagram जो है चलवा सकता है। तो यहाँ पे अगर 20 मिनट मान लो तो यहाँ पे 8.5 घंटे का
टोटल बैटरी बैकअप एक नए आईफोन 13 को ये मिल सकता है। क्योंकि मेरे आईफोन 13 के जो बैटरी हेल्थ है वो 99% है, तो एक नया ही मान लो, तो यहाँ पे अगर आपके पास आईफोन 13 है तो उसकी टोटल स्क्रीन ऑन टाइम जो बैटरी बैकअप है वो 8.5 घंटे से लेकर के 9 घंटे तक जा सकता है। सो 8.5 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप एक आईफोन 13 में मिलना ये एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। आपको बैटरी से रिलेटेड आपको जो है कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आईफोन 13 यूज़र्स को। ये प्रॉब्लम जो है आईफोन 11 यूज़र्स को ज़्यादा होगी, 10S यूज़र्स को ज़्यादा होगी और XR यूज़र्स को ज़्यादा हो रही होगी, उनको इतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिल पा रहा है। इवन मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी थोड़ा सा स्लाइटली जो बैटरी बैकअप है मतलब उतना अच्छा नहीं जितना आईफोन 13 में है। तो आपको प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया कि इस अपडेट में बैटरी बैकअप कैसा है। यहाँ पे 6 घंटे के आसपास फेसबुक यूज़ हुआ 24 घंटे में, और डे 1 घंटे 17 मिनट यूट्यूब और 35 मिनट व्हाट्सअप। मेरे हिसाब से आजकल जो है ज़्यादातर यही 3-4 ऐप्स लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप। और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो बैटरी बैकअप जो है आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। सो यहाँ पे इसको मैंने चार्ज किया था 20 वाट के फास्ट एप्पल के ओरिजिनल चार्जर से 100% तक, और अभी 4% बैटरी। तो मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है। आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ये अपडेट कर लेना चाहिए। सिक्योरिटी अपडेट था ऊपर से और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नए फीचर्स भी मिले थे, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अपडेट है आईफोन 13 यूज़र्स के लिए। बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आईफोन 11 और 12 यूज़र्स के लिए भी बढ़िया हो सकता है, बाकी आज के टाइम पर आईफोन 13 यूज़र्स को ये अपडेट डेफिनेटली कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अपडेट है। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।